लाइव चार्ट पे जाने से पहले, लाइव ट्रेडिंग देखने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में और बता देना चाहता हूँ, बिकॉज ये ट्रेडिंग जो है इट्स नॉट वेरी इजी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले पूरे जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं एक बार उसको देखें हमारे, जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं लाइव में, आप लोग देखें सीखें। दिस इज़ द ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई। अब कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने जो स्ट्रैटेजी बताइए, तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहला हमने आपको बताया कि हम लोग सेकंड ग्रीन कैंडल पे एंटर करेंगे, राइट। सेकंड ग्रीन कैंडल इस पे हम एंटर करेंगे, बट वो एंट्री लेनी कब है ये कैसे पता चलेगा आपको, वो एंट्री लेनी कब है? तो वो एंट्री लेने के लिए हम लोग अलग अलग चार्ट्स देखते हैं। हमने लाइव वीडियोस में वही दिखाया आपको, हम लोग अलग अलग चार्ट देखते हैं। 1 मिनट चार्ट भी देखते हैं, 5 मिनट्स चार्ट भी देखते हैं, 10 मिनट्स भी देखते हैं और 15 मिनट्स भी देखते हैं। तो देखिए, 15 मिनट्स वाला जो चार्ट है, 15 मिनट्स वाला जो चार्ट है, बेसिकली ये आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ये ट्रेंड बताता है कि मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, राइट। 10 मिनट्स भी आपको ट्रेंड बता सकता है, बट उसमें थोड़ी बहुत नॉइज होती है। अब बात आती है 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट की। तो देखिए, 5 मिनट्स और 1 मिनट जो चार्ट होते हैं, ये जो हम लोग बिकॉज 5 पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, ओनली 5 पॉइंट्स वी आर लुकिंग एट, और निफ्टी एक एक मिनट में 10 10 पॉइंट्स अप एंड डाउन होता है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि हम लोग 1 मिनट चार्ट को देख के आप इससे ट्रेंड नहीं पता कर पाते हैं 1 मिनट चार्ट से, बट यू कैन एनालाइज के वेयर टू एंटर, राइट। तो जब आप लाइव वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कहाँ आपको पता चलता है कि एंटर करना है, ठीक है। और क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट दोनों मिला के 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट बन रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड, बिकॉज 1 मिनट में आप देखेंगे 1 मिनट में कैंडल बनी अप अप और फिर नेक्स्ट मिनट में वो बनी डाउन, ऐसा चार्ट बनेगा। तो यू नो एंट्री कहाँ लेनी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, निफ्टी का क्या लेवल आ गया है। बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, एवरीबडी कैन डू इट, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट प्लीज़ गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स कम्प्लीटली, अंडरस्टैंड, देन ट्राई एंड एस्टिमेट, राइटिंग डाउन थिंग्स आप लिख के ट्राई कीजिए। जब मार्केट लाइव आप देखेंगे, सेम ऐसा ही ऐप आप देख के, चार्ट देख के एंड ऑल देख के आप लोग ट्राई कीजिए और राइट डाउन दैट यू आर ट्राइंग टू एंटर एट दिस पॉइंट। फिर क्या वो 5 मिनट 5 पॉइंट्स ऊपर गया आपका ट्रेड, तो एक दिन 2 दिन आप लिखिए, लिख के और देखिए कि क्या वो उस टाइम पे गया और आप सेल कर सकते थे उसको। अगर कर सकते थे एंड यू आर गेटिंग इट राइट, देन यू ट्राई एंड एंटर द मार्केट। डीमैट और ये ओपन करना तो आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ यू कैन से फ्यू आवर्स, बिकॉज आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं, एवरीथिंग इज सबमिटेड ऑनलाइन, देन दे आस्क यू फॉर अ दे गिव यू अ कॉल दैट इफ देर इज एनीथिंग दे कैन हेल्प यू विद, तो इट इज़ वेरी इजी। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो एक दिन में बन जाएगा, बट और एक्टिवेशन 1 2 घंटे लेता है, तो इवनिंग तक एक्टिवेट भी हो जाता है अकाउंट, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट वी शुड नॉट एंटर द मार्केट ब्लाइंड फोल्डेड। आपको मार्केट जब एंटर करना है, आपकी पूरी रिसर्च, आपकी पूरी एक्सपीरियंस के साथ करना है, तो 1 हफ्ते आप लोग ट्राई कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, जस्ट राइट डाउन, आप देखते जाइए लाइव और लिखते जाइए और फिर उसके बाद एंटर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, हम लोग सेकंड कैंडल पे एंटर करेंगे, बट एंट्री का पॉइंट हमें देखने के लिए 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सब चीज़ें हम देखते हैं, और जहाँ स्ट्रांगली एंट्री पॉइंट आता है वहाँ पे हम एंटर करते हैं। यू विल सी लाइव वीडियोज में हमने बताया। दूसरा हमने आपको बताया, आप सेल 5 पॉइंट प्लस पे कर लेंगे, स्टॉप लॉस आप लगा के चलिएगा। देखिए, बिकॉज राइट नाउ आई कैन सिट ऑन द स्क्रीन एंड लुक एट इट, और प्लस मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैंने लाइव वीडियोज़ में भी नहीं लगाया, बट आप लोग भी स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, बिकॉज अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आई बिलीव। अदरवाइज 5 पॉइंट्स तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट स्टार्टिंग में यू माइट फाइंड दैट आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट आप 10 पॉइंट्स नहीं तो 5 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए।
अब देखिए स्टॉप लॉस, आप कहेंगे जैसे आपने, मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ रीज़न, बिकॉज मैंने एक ट्रेंड देखा अपवर्ड जाने का, और मुझे लग रहा है कि 5 पॉइंट्स आराम से ऊपर चला जाएगा निफ्टी 5 पॉइंट्स, वो चला भी जाता है, बट वो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करते ही वो नीचे आने लग जाता है कई बार। इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, समटाइम्स इट हैपन्स दैट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, तो स्टॉप लॉस मेरा पहली ट्रिगर हो जाएगा और मुझे मौका ही नहीं मिलेगा प्रॉफिट का। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली देख के और फिर ट्रेड करता हूँ, बिकॉज आई नो जब तीनों सिग्नल पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो फिर मुझे श्योरिटी होती है कि ऊपर वापस जाएगा और आई कैन डू दैट। तो उस टाइम पे इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ और मैं डायरेक्टली वॉच करता रहता हूँ। अगर आप नहीं वॉच कर पा रहे हैं, मे बी यू कैन, यू आर गोइंग समवेयर, डूइंग अ मीटिंग और डूइंग एनीथिंग, ट्रेड छोड़ के मत जाइएगा ओपन। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया सारा लॉस हो सकता है, और कोई भी ट्रेड को ऐसे ओपन छोड़ के मत रखिएगा। आई जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, यू प्लीज़ ऑल्सो कीप ऑन वॉचिंग, ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है। थर्ड बात ये है, री एंट्री जो होती है, री एंट्री के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमने सेकेंड कैंडल पे 5 पॉइंट्स लिए और हमें 5 पॉइंट मिल गए, हमने उसको सेल कर दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ बात क्या आती है, क्या हमें वापस री एंटर करना चाहिए? जस्ट लाइक 95 का प्राइस था कॉल का, हमने उसको बाय कर लिया 95 पे और हमने 100 पे बेच दिया, बट स्टिल इट इज़ गोइंग अप, तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए? ये हमें ट्रेंड ही बताएगा, राइट? आपको ये स्टिल बाय करने वाला जो चीज़ है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम लोग ट्रेंड, जो मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड 45 मिनट से 1 आवर तक का ट्रेंड होता है, जैसे कि अपवर्ड अगर जा रहा है मार्केट तो 45 मिनट तक अप जाएगा एक ट्रेंड में, नॉट डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है, इट विल गो लाइक दिस। तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट 1 आवर तक जाता है, फिर उसके बाद इट कम्स डाउन लाइक दिस, फिर उसके बाद वापस 45 मिनट्स ऐसे। तो अप्रॉक्सीमेट ये टाइम नोट किया है, इट्स इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 40 मिनट्स भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है, बट एक आपको एस्टिमेट लगाने के लिए और ज़्यादा प्रिसीशन परफेक्शन के लिए ये टाइम आपको हेल्प करेगा। आप लोग देखेंगे वीडियोस में हमने कैसे बताया है आपको। तो आपको ये देखना ज़रूरी है री एंटर करने से पहले कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे खड़े हैं, कि क्या मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 45 मिनट्स पे खड़ा है, ऑलरेडी 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब रिस्क है। तो कुछ चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं, बट यू विल कम टू नो व्हेन यू वॉच हाउ इट इज़ बीइंग ट्रेडेड इन द लाइव मार्केट। और आप लोग लाइव वाले सारे वीडियोस देखिए, देन स्टार्ट राइटिंग थिंग्स एंड देन स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट। आई बिलीव अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं, यू विल ऑल्सो मेक मनी। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी, अगर आपको ऑप्शन आता है बेसिक्स थोड़ा बहुत भी, तो यू कैन डू इट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइव ट्रेडिंग पार्ट, लाइव ट्रेडिंग वीडियोज। थैंक यू।